जी, आज मैंने देखा बड़े जोर शोर से औद्योगिक क्षेत्रों में पर्चा बांट रहे थे, उस पर्चा में क्या कुछ था, अब क्या कुछ करने वाले हैं? सभी हमारे ट्रेड यूनियन के 10 संगठन हैं बड़े बड़े, और 9 अगस्त को भारत बचाओ दिवस मनाने का फैसला किया है, जिसमें हम लोग सत्याग्रह करेंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई कि 9 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी को हम बचाने के लिए आज हमारे बीच में मोदी सरकार आई हुई है। मोदी सरकार ने जो देश की दुर्दशा कर रखी है, आज कोरोना के नाम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उसने बेच दी है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम चाय वाले हैं, एक तरफ कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। हम ये पूछना चाहते हैं कि चाय वाले हो या चौकीदार हो, तो आप चौकीदार हो गए, चौकीदार हो के बड़े बड़े पूंजीपति देश से भागे, तो ऐसे चौकीदार से क्या फ़ायदा? आप कहते हैं कि मैं खुद एक सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ। आप जनता के सेवक होते होते सबसे पहले इन्होंने लाल किला गिरवी रखवा दिया, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि 25 एयरपोर्ट है वो बेच दिए, उसके बाद डिफेंस की बेच दिया, उसके बाद इन्होंने बैंक का निजीकरण कर दिया, माने और बैंक का निजीकरण करने के बाद अब इनकी नीति है कि देश में जितनी भी सरकारी स्कूल हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दिया जाए, भारत पेट्रोलियम में उसने बेच दिया। तो आज हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सारे देश को बेच के मोदी जी करना क्या चाहते हैं? मोदी जी ने एक बात आया जिस टाइम प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि मेरा क्या है, मैं तो भिखारी हूँ और अपना झोला उठाकर चले जाऊँगा। ये पूरे देश के जो संपत्तियाँ बेच बेच के और सारा धन इकट्ठा कर रहा है, और वाकई में किस टाइम ये अपना धन इकट्ठा करके और हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएगा, इसकी कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे जो छोटे नीचे गरीब तबके लोग हैं, छोटे मजदूर तबके लोग हैं, वो भ्रमित हैं कि जब चुनाव आया तो इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करके कह दिया कि हमने पाकिस्तान पर फतेह कर ली। अब जब कोरोना की बीमारी में फेल हो गए तो इन्होंने कोरोना की बीमारी फैले होने के कारण अब इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया, फिर ये कभी चीन के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत के नागरिकों को आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था विकास की देश में विकास होगा, कौन सा देश में विकास करना चाहते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तुमने बंद कर दी, आज के टाइम में जब से कोरोना हुआ है, कोरोना को अगर कोरोना के पहले ध्यान देते, जिस टाइम ट्रंप आया था, अगर कोरोना ट्रंप की तरफ ध्यान ना देके कोरोना की तरफ ध्यान देते तो आज हमारे देश के बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े उद्योगपति हैं आज वो काम कर रहे होते। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ट्रंप के चक्कर में सारे उद्योग बंद करा दिए। आज कोरोना के चक्कर में 5 महीने के अंदर 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनकी रोजगार की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा। आज जो जब भी मोदी भक्त हैं वो हर बात कहते हैं कि देश का नाम रोशन हो रहा विदेशों के अंदर, विदेशों के अंदर नाम से विदेशों से हमें क्या लेना देना, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक है चाहे रेड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, दिहाड़ी मजदूर है, फैक्ट्री में काम करने वाला, वो जब तक उनके परवरिश नहीं होगी, उन्हें काम का पैसा नहीं मिलेगा, उनको रोजगार की गारंटी नहीं मिलेगी, तो करेगा क्या? आज मोदी जी ने ये कर दिया। देखिए गरीब जो लोग थे सबसे पहले क्या करते थे कि चाहे SC कोटे में हो चाहे शेड्यूल कास्ट में जो भी आते थे, सारे करते थे कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियां पालेंगे, SC कोटे पे छूट मिलती थी उससे। लेकिन मोदी जी ने नीति बना रखी है कि जितने भी कोटे वोटे खत्म करने का बहुत बढ़िया तरीका अपना लिया कि जो भी सरकारी संस्था बेच दो, उसमें कोटे की जरूरत ही नहीं है, कल को अपने आप ही बिखर जाएंगे। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए दिल्ली के जो हमारे सभी ट्रेड यूनियन हैं, जिसमें इंटक है, HMS है, UTUC है, सेवा है, LPF है, UTCA, MEC है और अन्य बड़े बड़े संगठन हैं, उनका निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त को पूरे देश में जेल भरो आंदोलन करके केंद्र सरकार की मोदी सरकार है उसे जगाने का काम सबसे पहले हम लोगों ने किया हुआ है। दिल्ली के अंदर 9 अगस्त को हम जंतर मंतर पर सारे इकट्ठे होंगे और वहाँ पर जेल भरो आंदोलन शुरू करके मोदी सरकार जो सोई हुई है, मोदी सरकार ये चाहती है कि देश के मजदूरों की कोई इज्जत नहीं है, देश के मजदूरों की कोई ताकत नहीं है, हम उसको ताकत को बताना चाहते हैं कि 9 अगस्त को पूरे देश के अंदर हर मजदूर, चाहे छोटा फैक्ट्री में काम करने वाला हो, बड़ा फैक्ट्री में काम करने वाला हो, उसकी रोजी रोटी की रक्षा करने के लिए आज BJP जहाँ जहाँ सरकार है, हमारे हिंदुस्तान में 8 घंटे ड्यूटी की जगह 12 घंटे कर दी। अब कोई ऐसा महत्वा नहीं है, रेलवे बेच दिया, बीमा बेच दिया, दूरसंचार बेच दिया, डाक पोस्ट ऑफिस बेच दिया, कोयला, एयर इंडिया, ट्रेनें,
माने कौन सा ऐसा उद्योग है जो सरकारी संस्थान कहलाएगा? ऐसा देश का प्रधानमंत्री हमने कभी देखा नहीं है। इसके खिलाफ पूरे देश के मजदूर में एक ज्वालामुखी फटी हुई है और वो ज्वालामुखी 9 तारीख को जेल भरो आंदोलन के बाद है। उसके बाद हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी सोच रहे हैं कि और मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं, एक तरफ तो कहते हैं हम विदेशियों को अपनाने नहीं देंगे और विदेशियों को बार बार बुलाते हैं। आज हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे कौन से ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जिससे भारत के संबंध अच्छे हों, जो हमारे कई सालों से भाईचारा बना हुआ था सब मोदी ने सबसे दुश्मनी लेके सारा बना दिया। हम ये कहना चाहते हैं भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री मोदी से, कि हमारे देश के मजदूरों को सबसे पहले रोजगार चाहिए कि हमें राफेल चाहिए? उन्होंने रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया, 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और राफेल ले आए। राफेल से हम करेंगे क्या? अगर तुम राफेल ले आए लड़ाई झगड़ा करोगे तो मरेगा मजदूरी, वैसे भी राफेल से नहीं मरेगा तो भूख से लड़ाई से वैसे मर जाएगा। इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ सभी संगठनों ने, दिल्ली के सभी संगठनों ने मजदूरों से अपील की है कि 9 अगस्त को जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर जेल भरो आंदोलन करेंगे और सभी राज्यों के अंदर, चाहे रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो, सभी संगठनों ने आह्वान किया हुआ है और एक ऐतिहासिक दिन होगा। वैसे भी ऐतिहासिक दिन है कि 9 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम इस बार भारत बचाओ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और 9 अगस्त से हमारा आंदोलन शुरू होगा। उसके आगे नई नई रूपरेखा तय की जाएगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग कोई नया से नया आंदोलन करके मोदी सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हमिंद मजदूर सभा की तरफ से।